आपने देखा और आपने रिव्यू ऑलरेडी दे दिया, हाँ। कैसी लगी मूवी आपको भारत? एवरेज एवरेज ही बोलो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पब्लिक इतना शोर, इतना शराबा, सब कुछ ये इंटरवल के बाद तो पब्लिक का तो हगना ही निकल गया ऐसा समझो, मुंह पे बोल दो। इतना एक्साइटेड थे कि सेकंड हाफ देखना, ऐसा मिले ऐसा मिले, बाप रे बाप। पूरे पिक्चर में सलमान खान और उनकी दाढ़ी से ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहे, कुछ नहीं दिख रहे। बाकी कैमियो अच्छा अच्छा है पिक्चर में, तब्बू का है, आसिफ शेख का है, फिर बाद में कैटरीना के लिप्स का है, फिर बाद में सलमान खान के दाढ़ी का है, फिर छोटा मोटा स्क्रिप्ट का है। कैमियोज बढ़िया बढ़िया, बहुत प्यारा कैमियोज है, बाकी कुछ नहीं। और ओल्ड एज में सलमान खान कैसे? हाँ, ये मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, अगर ओल्ड एज के लुक में, ओल्ड एज के लुक में अगर पूरा पिक्चर बनाते, अच्छी स्क्रिप्ट लेके, सलमान भाई आग लगा देते। लेकिन नहीं, पूरा ऐसा आग लगा है कि ऐसा लग रहा है कि सलमान भाई ने आग भी लगाया, बाद में पानी भी लेके घूम रहे कि चलो मैं ही पानी डालता हूँ, ऐसा हो गया है। बाकी कुछ नहीं है। केमिस्ट्री तो इनका तो हर एक किस में दिख ही जाता है, कैटरीना सलमान, कैटरीना सलमान। अच्छा, बाकी सब स्टार्स है जो बार बार हीरोइन चेंज करते, इनको मालूम है मेरा केमिस्ट्री मिस्त्री सब इनसे ही मिलने वाला है, तो बस कैटरीना को ही लेके फिल्म बना रहा है। ऐसा लग रहा है फिल्म बन रहा है, सीरियल बन रहा है, समझेगा ही नहीं। तो फर्स्ट हाफ है ना, फर्स्ट हाफ वो आपको ऐसा लगा कि आप सुल्तान देख रहे हैं, बजरंगी भाईजान देख रहे हैं, सब सबका सब, मतलब इतना भरपूर है ना कि मज़ा आ जाता है सारे के सारे चीज़ें। सेकेंड हाफ तो बाप रे बाप, छोड़ दो पिक्चर उधर ही छोड़ दो, नहीं तो आप सलमान को अभी क्या बोलने हैं, छोड़ो जाने दो। मैं तो पिक्चर बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया। असल में क्या हो गया मालूम है, कुछ कुछ इतने सारे सीन्स है ना जो दिखाना ज़रूरी है ही नहीं। अब इसमें क्या हो गया, जब भी सलमान खान को कुछ याद आता है ना, तो उनको एक ही चीज़ याद आता है, वो यही चीज़ याद आएगा उनको कि उनके बाप का वादा, उनके बाप का वादा। और बार बार बीच में जैकी श्रॉफ आ जाएंगे कि तुझे वादा देता हूँ, परिवार को संभाल, परिवार को संभाल। अरे इधर ऑडियंस थिएटर नहीं संभाल पा रही है, वो परिवार को संभाल बोल बोल के ऐसा लगता है आधा घंटा तो वैसे ही दे दिए, आधा घंटा तक तो यही चला है। और लास्ट में फुक्कट सीन डाले, फुक्कट सीन डाले। अच्छा अभी आप सोचो ना, ये फिल्म में ये दिखा रहे कि सुनील ग्रोवर जाते हैं जर्मनी, आधा दिन भी नहीं लगता वो नूरा फतेही को पटाके आ जाते, इधर पे आता है, वही 1970s की बात है, नूरा फतेही को पटाके इधर लेके आते हैं और सलमान की माँ बोलती मुझे कोई एतराज़ नहीं। और सलमान और कैटरीना 40 साल तक लिव इन में रहते, तो भी सलमान की माँ बोलती मुझे कोई एतराज़ नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा यही आज के टाइम पर अगर अपन लोग कर लिए ना, अगर कोई मराठी लड़का मारवाड़ी लड़की लेकर आएगा ना, तो पूरा गाँव मिलकर टाइम प्लीज बोल बोल के उसके पिछवाड़े का चार भाग कर दे, सोचो ये हाल हो जाते हैं। लेकिन सलमान भाई तो इसमें लेजेंड दिखा दी चीज़, मतलब उनकी कोई गलती नहीं, स्क्रिप्ट ओवरऑल पूरा मैटर करता है। एंड अली अब्बास जफर से बहुत अच्छा वो था, मैं तो बोल रहा हूँ ना, अली अब्बास जफर से तो इतना, मतलब ऑडियंस को इतना एक्साइटेड था कि मतलब उनको पूरा टेस्ट मालूम है, ऑडियंस की फील मालूम है कि कहाँ कहाँ क्या क्या टचअप देना चाहिए। एंट्री शॉट एकदम परफेक्ट है। एंड शर्टलेस तो बाप रे बाप, एकदम सेंसलेस था, एकदम सेंसलेस था। कभी इधर का ऐसा इधर से शॉट शॉट दिखा रहे, इधर से शॉट दिखा ही नहीं रहे, इधर से शॉट, बाप रे बाप, दिमाग का शॉट हो जाएगा, ऐसा है दिमाग का शॉट हो जाएगा। इमोशंस भी है, कॉमेडी में थोड़ा बहुत इमोशंस है, बट इमोशंस को कैसा टच कराना चाहिए वैसा कोई मीनिंग नहीं। मतलब आप सडनली क्या चीज़ दिखा रहे कि यहाँ पे थोड़ा कॉमेडी चल रहा है, ओवर कॉमेडी हो गया, ओवर कॉमेडी के बाद आप सडन फीलिंग्स दिखा रहे, इमोशन दिखा रहे, तो इतना ज़्यादा इमोशन दिखा दे कि ऐसा लग रहा है सलमान भाई अकेले रो रही है, ऑडियंस इधर बाल खोजा रही है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इधर अलग ही चल रहा है ऑडियंस का। हाँ, फर्स्ट हाफ का ना मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत अच्छे अच्छे शॉट थे, बहुत प्यारे प्यारे शॉट थे। जैसे वो जनगण मना, आज भी थिएटर में पब्लिक खड़ी हो गई, कोई खड़ा नहीं हो रहा था उसको बोले खड़े हो खड़े हो खड़े हो, ऐसा करे। लेकिन सेकेंड हाफ में वही पब्लिक बोल रही है खड़े हो, नहीं देखना है, नहीं देखना है पिक्चर, ऐसा हो जा रहा है, ऐसा हो जा रहा है। चल वो सीन तो एकदम परफेक्ट था, इसमें बताया गया कि मतलब अमिताभ बच्चन लेजेंड सुपरस्टार, शाहरुख खान लेजेंड सुपरस्टार, सचिन तेंदुलकर लेजेंड क्रिकेटर, उनका उनका जो छोटा छोटा चीज़ दिखाया, ऐसे सुल्तान में भी दिखाया था कि सलमान भाई बोलते ना कि शाहरुख खान के बारे में ऐसा मत बोलो कि मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है। तो ऐसे ऐसे सीन्स फर्स्ट हाफ में एकदम टाइमिंग पे आए, और सेकंड हाफ में टाइमिंग पे ही स्क्रिप्ट गायब हो गई, पूरी पूरी स्क्रिप्ट गायब हो गई। मतलब अली अब्बास जफर को मिल गया कि मौका, एक काम करो आप मॉल बना रहे हैं सलमान भाई, आप मॉल पे भी ध्यान दो, आपको जॉब चाहिए आप जॉब पे भी ध्यान दो, आपको कैटरीना चाहिए कैटरीना पे भी ध्यान दो। तो तीनों पे ध्यान दे रहे, ऑडियंस पे ध्यान ही नहीं दिए, ऑडियंस एक दूसरे का बाल खोजा रहे, ऐसा हो गया था। तो पूरी की तरह से ऐसे छोड़ दिया पिक्चर, ऐसा लगा। और मूवी के
कलेक्शंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तीन दिन में अभी लास्ट उनकी फ्लॉप पिक्चर भी ले लो कि फ्लॉप पिक्चर भी ले लो, पहले दिन 42 करोड़ कमाए, दूसरे दिन 31 एंड तीसरे आज कुछ 22-23। अब आप बोलोगे कि मतलब यार तीन दिन में उनका रिकॉर्ड है कि 100 करोड़ पार कर ही देते, बट ये ड्रॉप हो गया सिर्फ सेकेंड इंटरवल के बाद। हाँ ये मैं बोलूँगा कि ट्यूबलाइट और वो रेस 3 से अच्छा है, तो उससे ही उससे बेटर है, बट एक्सपेक्टेशन बड़े सुपरस्टार्स को लेके ज़्यादा रहती है। और फिर मतलब जेसीबी की खुदाई बोल के आप लोग सुलभ शौचालय में कोई मोटे अंकल का पैर फंसा हो वो दिखा दोगे तो फिर कोई भी मारेगा पकड़ के, तो ऐसा हो जाएगा। अब वही तो बोल रहा हूँ ना, जानबूझ के वो प्लॉट पे ज़्यादा ध्यान दिया गया जो यूज़लेस था, मतलब वो ख़त्म हो गया वो चीज़ को, जानबूझ को निकाल के एक्सटेंड कर रहे जानबूझ के। ऐसा लग रहा है अली अब्बास सफर ने लास्ट चांस ही दिया, भाई बना ले मेरे साथ जो बनाने का, तो उन्होंने सभी बना दिया, फिर बाद में मालूम पड़ा कि उन्होंने बेवकूफ़ बनाया, ऐसा हो गया एकदम। सुनील ग्रोवर अभी सुनील ग्रोवर से देखो, सुनील ग्रोवर को नो डाउट, इवन मेरा फेवरेट कॉमेडियन है, एकदम प्यारा है, बट स्क्रिप्ट ऐसे चाहिए कि सुनील ग्रोवर से और आग निकलना चाहिए, कुछ आग नहीं निकला, पाद निकल गया ऐसा समझो। आसिफ शेख जो भाभी जी घर पर है मैं काम करते हैं, वो बंदे ने यहाँ पे ऐसा फ्लो लाया है कि आप बोलोगे कि ये बंदा और बोलता रहे। इनफैक्ट अगर आप वो यूज़लेस सीन दिखा रहे ना, उससे ज़्यादा अच्छा अगर सुनील ग्रोवर को कुछ पंचेस दे देते या वो आसिफ शेख को पंचेस दे देते तो वो ज़्यादा अच्छा था। इनका ध्यान था कि नोरा फतेही को ज़्यादा ग्लैमर दिखाना है, कैटरीना की ज़्यादा एक्टिंग दिखानी, ये वो बस कुछ नहीं, यही सब दिखाने के चक्कर में कुछ बचा ही नहीं पिक्चर। फाइनली वन टाइम मस्ट वॉचेबल है, हाँ मैंने दो बार देखा, फिर भी मैंने दो बार देखा, फाइव आउट ऑफ 2.5 स्टार, अरे मतलब 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार, नहीं तो बोलेगा ये खुद भाई का फैन है। नहीं नहीं भाई 2.5 स्टार, वन टाइम मस्ट वॉचेबल, मैं दो बार देखा, अच्छा लगा फर्स्ट हाफ के लिए आया था, क्योंकि फर्स्ट हाफ कहीं ना कहीं आपको याद दिला देता सुल्तान ने तो बजरंगी बाजम, एंड सेकेंड हाफ तो बाप रे बाप, ऐसा लग रहा है रागिनी MMS बोल के बॉर्डर दिखा दिए, तो ऐसा ही ऐसा कुछ ना कुछ आपको अलग ही फील आएगा कि क्या बोल रहे क्या दिखा रहे क्या चल रहा है। ऐसा ही सेकेंड हाफ बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, बहुत ही, इवन ऑडियंस खड़े हो के तालियां बजा रहे थे फर्स्ट हाफ में, और सेकेंड हाफ में कोई तालियां बजाए ना तो उसके कान के नीचे बजा रहे कि तू क्यों बजा रहे, इसमें क्या मजा रहे देखो, ऐसा कर रहे, तो ऐसा कर रहे उसमें, ऐसा फालतू सीन चल रहा है। सेकेंड हाफ में इमोशनल सीन्स जो था ना वो उतना सही मज़ेदार है थोड़ा सा, एंड वो एक सीन था वो बोट विट का, शिप विप का, बाकी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आपको मिलेगा, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा आपको सेकेंड हाफ में। एंड सलमान भाई ने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती, पिक्चर में बोलते फाइव लुक्स है, गलत किया, फाइव लुक्स बोल के तुमने दो ही लुक दिखाया, एक जवानी का और एक बुढ़ापे का, वही दो रोल को पूरा एक्सटेंड करते, बोलते बचपन का रोल तो बच्चे लोग निभा रहे और बीच का रोल तो पूरा सलमान खान का एक ही फ्लो में जा रहा है कि 17 साल के हो, 32 साल के हो, 40 साल के हो, सब एक ही फ्लो में जा रहा है। 70 साल वाला रोल तो एकदम दिल पे आ गया, एकदम धमाका, मतलब वो एक्सप्रेशन एंड वो बोलने का स्टाइल एकदम मज़ेदार। और वही कैटरीना कैफ 70 साल की बनी है, वो तो आप बोलोगे क्या है ये तो कैरेक्टर करिए या पाप दिखा रहे, ऐसा बोलोगे आप, ऐसे ही आप बोलोगे, बुक पे बोल दो, चलिए 2.5 स्टार इनफ है, थैंक यू। मुझे तो बहुत रोना आया, उसकी बहन जो बिछड़ गई थी मिल गई तो अपना याद आ जाता है, बहुत अच्छा सुपर है, बहुत माशाल्लाह, मुझे तो बहुत अच्छा 5। अरे सर ऐसी फिल्म बनेंगे तो हिंदुस्तान कबड़ा हो जाएगा, क्या क्या पिक्चर है ये, टाइम खराब कर दिया पब्लिक का फोकट में यार, क्या यार, अरे यार कैसी बात कर रहे हैं भाई, जिंदगी पहली बार घटिया फिल्म देखी है, पैसा भी खराब हो गया यार, कैसी बात, अरे कौन बोलता है ठीक है, बेवकूफ़ है जो बोल रहा है ठीक है, सलमान खान अच्छा है, सलमान तो अच्छा ही है लेकिन फिल्म अच्छी नहीं बनाई, नहीं नहीं भाई, अरे एक नंबर, एक नंबर, थैंक यू, बहुत भारी, बहुत बहुत अच्छी लगी मुझे तो, वो तो हमेशा से अच्छे ही लगते हैं, बहुत मस्त, जी जी उनकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी है, 4 बहुत अच्छी लगी मूवी, बहुत अच्छी पिक्चर बनाया है, सलमान की एक्टिंग अच्छी लगी, जो भी शॉट किया बहुत अच्छा लगा मुझे, पिक्चर बहुत अच्छी लगी, 4/4 अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है, बहुत बेकार लगी, ज़रा भी पसंद नहीं, कुछ है ही नहीं पिक्चर में भाई, कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं है पिक्चर में, सो गया मेरा भाई, सो गया पिक्चर, सलमान खान वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा लगा, कैटरीना के भी बहुत अच्छी लगी,
सब सब खाली पिक्चर बेकार थी भाई बस। ठीक लगी सुपर भाई, अच्छी अच्छी मूवी, अच्छी थी अच्छी थी, अच्छी एकदम सुपर है, अच्छी थी ठीक ठाक। अच्छी है गुड, बहुत अच्छी बहुत अच्छी, नाइस मूवी नाइस बेस्ट गुड। हाँ बहुत अच्छे लगे गाने, ब्यूटीफुल गाने लगे। 5 बजे 3:30 अच्छी है भाई। हाँ सलमान सिंह का तो एक्टिंग बहुत अच्छा जबरदस्त है, गाने तो नए दौर के हिसाब से ठीक है ही है, ठीक है एक बार देंगे, लाइव पिक्चर है टाइम पास पिक्चर है ठीक है एक बार देख सकते हैं। हाँ बस अच्छी बात है, बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छी मूवी है, स्टार्टिंग में लास्ट में आ गया थोड़ा बोरिंग आ गया। सॉरी 5 में से 5 है सलमान भाई है अपना, 5 में 2 दे सकते हम, 5 में 5 5 में से 5 पूरा क्योंकि सलमान की पिक्चर थी ये, ठीक थी अच्छा था। हाँ बहुत अच्छी मूवी थी, लाइक प्रॉपर एकदम बहुत अच्छी मूवी है और हो सकती थी और बेटर, बट सलमान भाई आज फॉर एवर मतलब बेस्ट मूवी, थैंक्स।